तो राहुल गांधी ने जयपुर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है और इस दौरान राहुल ने जमकर स्ट्रोक खेले। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी बैकफुट पर खेलते हैं, जो किसानों और युवाओं के लिए घातक साबित हो रहा है। राहुल ने कहा कि जब तक देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, तब तक मोदी को सोने नहीं देंगे। राफेल को लेकर भी राहुल ने मोदी सरकार को जमकर घेरा और राहुल ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 2 दिनों में किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने सरकार में बैठे लोगों को नसीहत दी है कि वे जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें। चलिए इससे से जुड़ी जरा एक खास रिपोर्ट देखिएगा। राहुल ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। राहुल ने की देश भर में किसान कर्ज माफी की मांग। हम चाहते हैं कि देश का किसान फ्रंट फुट पर खेले और छक्का मारे। जब तक पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम मोदी जी को सोने नहीं देंगे। बैटिंग के वक्त डरकर खेलते हैं मोदी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को जयपुर आए। किसान रैली को संबोधित करके राहुल ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अनिल अंबानी के फोटो वाले होर्डिंग लगाए गए थे। इन होर्डिंग पर लिखा था, चौकीदार या भागीदार। काले रंग के ये होर्डिंग्स रैली स्थल के अतिरिक्त शहर के प्रमुख मार्गों पर भी लगाए गए। ऐसे होर्डिंग्स प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों में इस तरह के होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस चुनाव जरूर जीती है, लेकिन हमारी मालिक जनता है। हम आपके लिए काम करने आए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक बैकफुट पर खेलती रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान और युवा बैकफुट पर न खेलें, वे फ्रंट फुट पर खेलें और छक्का मारें। राहुल ने विधानसभा में मिली जीत के बारे में कहा कि ये जीत किसानों और युवाओं की जीत है। राहुल गांधी ने कहा कि मालिक जनता, युवा और किसान है। हमारे दरवाजे राज्य के कमजोर लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों से कहता हूं कि वे बैकफुट पर न खेलें, फ्रंट फुट पर आकर खेलें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बैकफुट पर खेलते हैं। वे वादे करते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जब मौका आता है तो वे बैकफुट पर खेलते हैं। जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलए हैं, मगर मालिक राजस्थान की जनता है। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारा काम आपकी आवाज सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है और जो आप हमें बताओगे उसको करने का है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मालिक राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान और या राजस्थान के युवा हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राफेल की जांच होनी चाहिए, इसमें जेपीसी होनी चाहिए क्योंकि एचएएल को परे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक निर्मला सीतारमण कोई जवाब नहीं दे पाई। राहुल गांधी ने कहा कि 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। 10 दिन नहीं लगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी को संदेश दिया कि उन्हें पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। दरअसल राहुल गांधी की इस रैली के पीछे खास रणनीति है। राहुल गांधी ने इस किसान रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की तैयारियों का आगाज किया है। इस रैली के जरिए राहुल ने राजस्थान में की गई किसान कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर पेश किया। लोकसभा चुनाव के दौरान किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहेगी। किसान रैली में राहुल गांधी का भाषण भी पूरी तरह लोकसभा चुनाव के सियासी रंग में रंगा नजर आया। किसान रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने राहुल गांधी को कृषि कार्य में काम आने वाला यंत्र हल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चरखा भेंट किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राहुल गांधी को राजस्थानी साफा पहनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सूत की माला पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।